और चलिए अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबरों की ओर, जहां राजसमंद में एक बार फिर खाकी पर खादी भारी पड़ गई और इसका खामियाजा एएसआई रामेश्वर लाल मीना को सस्पेंड होकर के भुगतना पड़ा। बता दें कि इलेक्ट्रेट पर माहौल उस वक्त गर्मा गया जब विधायक सुदर्शन सिंह रावत 40-50 लोगों के साथ कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे और इस दौरान कलेक्ट्रेट गेट पर पुलिस ने कानून व्यवस्था के मद्देनजर 5 लोगों को एमएलए के साथ कलेक्ट्रेट कक्ष में जाने के लिए इजाजत दी। इस बात को लेकर के विधायक रावत नाराज हो गए और उन्हें एएसआई रामेश्वर मीना को लताड़ लगा दी। इसके बाद कलेक्टर से फोन पर बात कर एमएलए सभी के साथ कलेक्टर के कक्ष में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पुलिस द्वारा रोकने को विधायक का अपमान बताया और बदसलूकी करने वाले पुलिस अधिकारी रामेश्वर मीना को सस्पेंड करने की मांग की। हालांकि इस विवाद जो इसको लेकर के विवाद है वो बढ़ता देख पुलिस के आला अधिकारी ने मामले की जांच होने तक रामेश्वर मीना को सस्पेंड कर दिया और इसके बाद विधायक और उनके समर्थक शांत हुए। दरअसल एमएलए रावत कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने में अहम भूमिका निभाने वाले शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार सुविधा दिलाने की मांग को लेकर के कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस पर कलेक्टर ने जल्द विचार करने का आश्वासन दिया और उसके बाद देखिए इस तरह की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती नजर आई। गन लाइसेंस एक प्रक्रिया है, परंतु उस प्रक्रिया में भी क्योंकि ये एक देश सेवा का मैटर था, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था, तो मेरा मानना है कि जब सिपाहियों को गैलेंट्री प्रमोशन मिल गया और जिन लोगों ने काम किया उनको अगर उनका गन लाइसेंस का भी नहीं मिलता है तो समाज चाह रहा था कि हम जाके कलेक्टर साहब को दें, तो वो सब लोग यहाँ इकट्ठा थे। मैंने मुख्यमंत्री जी ने सबको कहा है कि सारे दरवाजे खुले रखो, राज के सारे दरवाजे खुले रखो, और दरवाजे बंद करने की बात जब हमारी आंखों के सामने होती है और एक पुलिस का एएसआई बिना कलेक्टर के निर्देश के, जो कि आप लोगों के सामने चर्चा हुई, बिना कलेक्टर के निर्देश के एक पुलिस का एएसआई ये गुस्ताखी कर ले तो वो गलत है। देखिए एमएलए साहब भीम सुदर्शन सिंह जी रावत साहब 15-20 कार्यकर्ताओं के साथ में कोई माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे। गेट पे हमारा जाब्ता तैनात था। जैसा एमएलए साहब का कहना है कि साहब मुझे ये जानते हुए कि मैं एमएलए हूँ उन्होंने मुझे रोका, जबकि जो अधिकारी लगा हुआ था मौके पे उनको और एमएलए साहब के समक्ष करवाया तो ये उन्होंने कहा था कि साहब मैंने एमएलए साहब से निवेदन किया था कि भाई 5 लोग एमएलए साहब खुद और 5 लोग ज्ञापन के लिए ऊपर आ जाए। खड़ा हूँ मैं,